आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरौआ ने कानपुर में हुई हिंसा की घटना पर जमकर हमला बोला। निरौआ का कहना है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं जो उपद्रव करके माहौल खराब करते हैं, पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों की दवा अच्छे से होगी और यह लोग अपने पूरे जीवन काल में ऐसा काम फिर दोबारा नहीं करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर भंवरनाथ मंदिर पहुंचकर दिनेश लाल यादव ने पूजा अर्चन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लंबे जीवन की कामना करते हुए कहा कि बाबा भंवरनाथ से मैं यही मांगने आया हूं कि भोलेनाथ सदा मुख्यमंत्री को स्वस्थ रखे, हम सभी उनके सिपाही हैं। निरौआ ने आगे कहा है कि जब भी मैं इस जिले के दौरे पर आता हूं तो बाबा भंवरनाथ के दर्शन जरूर करता हूं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहां जो भी भक्त मुराद मांगते हैं भगवान अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरौआ का कहना है कि यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरा भारत यूपी की तरफ देख रहा है कि काश हमारे राज्य में भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होता। इस बार जिले की जनता भाजपा के साथ आने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं कानपुर हिंसा पर निरौआ का कहना है कि उपद्रव व दंगा फैलाने वालों की दवा बाबा की सरकार अच्छे से करती है। यह लोग शायद भूल गए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जरा सा भी दंगा फैलाने की कोशिश की तो संपत्ति पर बुलडोजर चल जाएगा। आने वाली 7 पीढ़ियां उपद्रव व दंगा करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।